गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको स्टैंडर्ड 7 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 9, समय सारिणी। मैंने आपको समय के बारे में बताया था, इसके अगले वीडियो में आपको मैंने समझाया कि समय के हिसाब से अपने सब काम करते हैं तो अपना काम अच्छे से होता है। और ये आपको पेज नंबर 51 आपको मैंने होमवर्क में दिया है, क्योंकि ये आपके समय के हिसाब से आपको ये पुस्तक बनाना था। ओके, तो अब आगे मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको समय सारणी राधनपुर वर्ष डिपो पालनपुर विभाग, इसके पहले मैंने आपको ये वीडियो में प्लेटफॉर्म 1 तक मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया, बराबर। इसके वीडियो में आप देखोगे तो आपको प्लेटफॉर्म 1 का आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म 2 के बारे में समझाती हूँ। भूज मांडवी की ओर, यानी प्लेटफॉर्म बस जो आती है तो भूज और मांडवी के बीच में कितने टाइम तक आती है, वो आपको मैं समय समझाती हूँ। तो प्लेटफॉर्म 2 भूज मांडवी की ओर, बराबर। प्लेटफॉर्म 2 के बारे में आपको अभी समझाऊंगी कौन सी बस कौन से समय पे आती है। तो राधनपुर नारायण सरोवर, राधनपुर से नारायण सरोवर कितने घंटे में आती है? 7:30 को। कौन सी? राधनपुर नारायण सरोवर। अब हारिज भुज, हारिज से भुज की कितने घंटे? 8। तो हारिज से भुज तक की बस कितने घंटे? 8 तक आती है। महसाणा से नखराणा, महसाणा से नखराणा कितने घंटे? 9 आती है। ओके, विसनगर से भुज की बस, बराबर, कितने बजे आती है? तो 10:45 को। कितने बजे? 10:45 को। अब आगे पाटन से मांडवी की बस 11:15 को आती है, 11:15 को। पालनपुर की भुज तक की बस कितने बजे आती है डेपो पर? 12:30 को। कितने बजे आती है? 12:30 को। अब अंबाजी से भुज वाली बस, अब ये कितने? 14:15। तो क्या करोगे इसमें से 12 निकालोगे तो 2:15 पर आएगी। थराद से भुज तक, थराद, बराबर, ये थराद से भुज तक की, अब ये कितना है? 16:15। तो घड़ी में 16 तो बजते नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कितने बजे? 4:15, बराबर। कितने बजे आएगी थराद से भुज को बस? 4:15 को। अंबाजी से मांडवी तक की बस, उसका समय क्या है? 18:30, तो 18 बजते नहीं, तो कितने लगोगे? 6:30 को आएगी, यानी 6:30 को आएगी। बाड़मेर से भुज कितने घंटे? 22, यानी कितने बजे आएगी? तो 8, कितने समय? 8। अंबाजी माता का मढ़ है वहां से, तो बस कितने बजे आएगी? कितने बजे से पहुंचेगी? 22:45, तो कितने बजे होंगे उस टाइम? तो 8:45। वडनगर से भुज,
वडनगर से भुज की बस कितने बजे आएगी? 23 घंटे। तो आपको कितने घंटे लिखने हैं बोलो, बराबर? वडनगर से भुज 23 घंटे, तो कितने बजे आएगी? 11 बजे। अब आगे प्लेटफॉर्म नंबर तीन, समी संकेश्वर की ओर, बराबर? समी संकेश्वर की ओर। अब इसका टाइम देखेंगे कि कौन सी बस कितने बजे आती है प्लेटफॉर्म नंबर तीन का। पहले 1 का समझा, 2 का, अब 3 का। तो राधनपुर से डाकोर की बस डिपो में कितने बजे आएगी? 6 बजे आएगी। राधनपुर से सूरत कितने बजे आएगी? 6:30 बजे को। दियोदर से आनंद 6:45 को आएगी। दियोदर से अहमदाबाद कितने बजे आएगी? 7:30 यानी 7:30 बजे। राधनपुर से बैचराजी कितने बजे आती है? 8:30 बजे। थरात से अहमदाबाद की बस कितने बजे आएगी? 9:15 तक। रापर से आनंद की बस कितने बजे आएगी? 10 बजे। राधनपुर से सुरेंद्रनगर की बस कितने बजे आएगी? 11 बजे। थरात से वलसाड़ की बस कितने बजे आएगी? 13 घंटे। तो 13 घंटे में से निकालो तो कितने बजे आएगी? 1, बराबर? 1 बजे आएगी। मांडवी से अहमदाबाद की बस 14:15 को, तो कितने बजेंगे? 2:15 को आएगी। भुज से संकेश्वर की बस कहाँ तक आएगी? तो 17:30 को, तो कितने घंटे हुए? समय 5:30 को, तो कितने बजे आएगी? 5:30 बजे। राधनपुर से संकेश्वर 17:45, तो 5:45 को आएगी। अब प्लेटफॉर्म नंबर चार जूनागढ़ दियोदर कितने बजे आएगी? 5:30 को। राधनपुर भाबर 6 बजे। संकेश्वर से थराद 7:30 को। अहमदाबाद से दियोदर 9 बजे। मानसा से भाबर 10 बजे। अंजार से दियोदर 10:30 को आएगी। राधनपुर से थराद 13 घंटे, तो कितने बजे आएगी? 1 बजे। हारिज से भाबर 14 घंटे, तो कितने बजे आएगी? 2 बजे। विजापुर से कटाव कितने बजे आएगी? 17:30, तो कितने घंटे हो गए? 5:30 को आएगी। विसनगर से दियोदर की 18 घंटे, तो कितने बजे आएगी? 6 बजे। आनंद से दियोदर 20:15, तो 8:15 को आएगी। वलसाड़ से थराद 23 है, तो कितने बजे आएगी? 11 बजे। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 मेहसाणा की ओर, बराबर? राधनपुर मोड़ासा 5 बजे। राधनपुर ईडर 6 बजे। सुईगाम गांधीनगर 8:15। राधनपुर विसनगर 8:30 को आएगी। राधनपुर अहमदाबाद 10:30 को आएगी। रापर से जालोत कितने बजे आएगी?
10:30 तक भुज से विसनगर 11:00, दियोदर से अहमदाबाद 13:30, मांडवी से महसाणा 15:15 तो कितने होगी 3:15 को, भाभर से सूरत 20:30 तो कितने हो गए 8:30 यानी 8:30 को आएगी, और रापर से सूरत को 21:30 तो कितने बजे होंगे, आप यह लास्ट आप अपने मन से सोचकर लिखना। ओके, काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के है और लाल रंग के लिए एक्सप्रेस बस के है, और पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस है, राधनपुर से चोटीला 6:00, राधनपुर से अंबाजी 6:00, राधनपुर से मोमाई मोड़ 7:00 और राधनपुर से बेचराजी 7:00। तो ये आपको समय का चार्ट था। तो इसी तरह आपको यह चार्ट समझना है और आपको यह नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।